सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्यपुस्तक मेधा के पाठ 4 जगदीश चंद्र बसु नामक पाठ का भाग 1 पढ़ लिया था। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यह खोज की कि पेड़ पौधे भी संवेदनशील होते हैं और उनमें भी हमारी तरह ही जान होती है। राहुल माँ को बताता है कि पौधे को छूने पर वह मुरझा जाता है और थोड़ी देर बाद पहले जैसा हो जाता है। तब राहुल की माँ जो है उसे महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताती हैं। उन्होंने बताया जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवम्बर 1858 को फरीदपुर नामक स्थान में हुआ था और इनके पिता भगवान चंद्र बसु थे तथा माता बामा सुंदरी बसु। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। पाठशाला में बसु बच्चों के साथ पेड़ पौधों के बारे में ही बातें किया करते थे। आइए अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का भाग 2। 9 वर्ष की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता चले गए। कौन? जगदीश चंद्र बसु। वहां भी वे जीव जंतुओं पेड़ पौधों में विशेष रुचि लेने लगे। वे तरह तरह के फल फूल के पौधे उगाते, पौधों की जड़ें उखाड़ कर देखते, फिर चिंतन करते माने सोच विचार करते थे, थिंकिंग करते थे। वे हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन है। इस बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से जुट गए। कोलकाता में जाकर के वो आगे की पढ़ाई करने लगे और वहां पर भी वो विज्ञान के बारे में ही सोचते थे, विचार करते थे और सोचते थे क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन है। और विज्ञान ही जगदीश चंद्र बसु का जीवन था। वे दिन रात खोज में लगे रहते थे। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने के लिए उन्होंने 2 यंत्र बनाए। कितने यंत्र बनाए? 2 यंत्र। ये यंत्र थे क्रेस्कोग्राफ और रेजोनेंस रिकॉर्डर। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जा सकता था। वृद्धि मैंने पौधों की जो है विकास की गति, उसको नापा जा सकता था तथा रेजोनेंस रिकॉर्डर से यह ज्ञात हो जाता था कि चोट लगने पर और मरते समय पौधे कांपने लगते हैं। उन्होंने पौधे के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए। किस पर दिखाए? पर्दे पर। उन्होंने जीवित पौधे में विद्युत की लहर दौड़ाई। विद्युत माने बिजली, करंट, जिससे पौधों का कांपना और तड़पना पर्दे पर दिखाई पड़ा। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया। निर्जीव माने बिना जीव के, बिना जान के, बेजान हो गया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। विज्ञान की इन खोजों के कारण ही जगदीश चंद्र बसु सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि देकर सम्मानित किया। अंग्रेज सरकार ने कौन सी उपाधि दी उनको? सर की उपाधि दी। जगदीश चंद्र बसु की इच्छा थी कि भारतवर्ष में ही विज्ञान संस्थाएं खुलें ताकि हमारे विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत न पड़े। हमारे जो भारत के विद्यार्थी हैं ऊंची शिक्षा पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं, तो जगदीश चंद्र चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान में ही विज्ञान के संस्थाएं माने साइंस इंस्टीट्यूट्स खुलें ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनको विदेश न जाना पड़े। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी वैज्ञानिक खोजों के कारण वे इस संसार में सदा जीवित रहेंगे। उन्होंने इतनी महान खोज की कि उनको सब लोग हमेशा जानते रहेंगे। राहुल को माँ की बातें रोचक लगी। रोचक माने इंटरेस्टिंग। उसे जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से कहा, माँ मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूँगा जिससे मैं भी कुछ करके दिखा सकूँ। माँ ने उसके गाल थपथपाए और कहा, हाँ बेटा, सच्ची लगन हो तो संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता।
और राहुल अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं भी बहुत अच्छा काम करूंगा और बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा ताकि मैं कुछ बन करके दिखा सकूं। तो माँ ने बड़ी खुश होकर उससे कहा, हाँ बेटा, इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो असंभव है, जो इम्पॉसिबल है। अगर हम अपनी सच्ची लगन के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और हम हर असंभव वादे को संभव कर पाएंगे। ये पाठ अपना बेटा पूरा हो गया है और इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति, इसका प्रत्यास्मरण, रिवीजन कुछ प्रश्नों के द्वारा करेंगे। जगदीश चंद्र बसु कोलकाता आगे की पढ़ाई करने गए तब वे कितने वर्ष के थे? जगदीश चंद्र बसु कोलकाता जब आगे की पढ़ाई करने गए तब वे 9 वर्ष के थे। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने के लिए उन्होंने कौन से 2 यंत्र बनाए? पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने के लिए उन्होंने 2 यंत्र बनाए, क्रेस्कोग्राफ और रेजोनेंस रिकॉर्डर, 2 यंत्र बनाए, है ना। क्रेस्कोग्राफ से क्या किया जाता था? क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जाता था। और रेजोनेंस से हम क्या कर सकते थे? रेजोनेंस से यह ज्ञात होता था कि चोट लगने पर पौधे कांपने लगते हैं। अंग्रेज सरकार ने उन्हें कौन सी उपाधि दी? अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। जगदीश चंद्र बसु की मृत्यु कब हुई थी? जगदीश चंद्र बसु की मृत्यु 23 नवंबर 1937 को हुई थी। तो बेटा ये पाठ हमने पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। आपका आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है और आज का गृह कार्य जो है आपका यही है कि इस भाग को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना करके उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।